8 बज गया हमारे, देखिए खाली करने वाले हम लोग आ गए हैं, हमारा गाड़ी का खाली करेंगे। यहाँ से ये इसमें डालना पड़ेगा रिवर्स, इसमें तबेला है। देखिए दोस्तों अभी हमारा गाड़ी खाली कर रहे हैं भाई लोग। तो गुड मॉर्निंग, नए ब्लॉग में स्वागत है। सुबह का 7:30 बजा है दोस्तों, और मैं संभाजी नगर से वही भर के मैं बियर का भूसा आके यहाँ पे फलोरा ढाबा पे रात को सो गया था 2 बजे रात को। आइए दिखाता हूँ, ये देखिए सब गाड़ियाँ खड़ी है। ये देखिए फलोरा ढाबा पे खड़ा हूँ और यहाँ पे अपना गाड़ियाँ खड़ी है। ये देखिए दोस्तों अपना भी इधर गाड़ी खड़ी है, और यहीं पर मैंने सोया 2 बजे से 7 बजे तक। ठीक है दोस्तों, तो अभी बारिश बहुत रात को गिरा, सवेरे 5-4 बजे से बारिश गिरा। देखिए सब पानी लगा हुआ है होटल पे, और आज यहाँ पे अच्छा खासा बारिश गिरा, बहुत दबा के बारिश गिरा, इसके लिए रोड से पानी भर गई है। और ये रोड कामन से भिमंडी जाती है, मतलब चिंचोटी से भिमंडी जाता है रोड, तो वही रोड के किनारे में फ्लोरा होटल है कामन। ठीक है दोस्तों, यहीं पे खाली होएगा तबेले में वो बियर का भूसा, क्योंकि वो भूसा तबेले में भैंस को खिलाते हैं, बहुत चाव से खाती है। वही कल मैंने परगा में था, अब परगा में खड़ा था तो कल खाली नहीं किया, इसलिए मैंने रात को रख यहाँ पे आ गया। पार्टी वाला बोला कि जाओ कामन में, वहाँ खाली होगा, तो मैं यहाँ पर आके खड़ा हूँ दोस्तों। तो अभी देखते हैं, अभी हमाल लोग आएंगे कहाँ ले जाता है खाली करने, कौन से तबेले में लेके जाता है। देखिए बियर का भूसा में ऊपर पानी गिर रहा और भर जा रहा और गीला हो जाएगा, उसको खोलेंगे, जहाँ देखेंगे ऑर्डर आएगा वहाँ पे खाली करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी होटल भी नहीं खुला है, चाय नाश्ता भी अभी मिलेगा नहीं, अभी तो सब सो के उठ रहे हैं। ये होटल पर सुविधा है, लेटरिन बाथरूम पानी वानी का भी सुविधा है। तो मैं जाके आया अंदर से, ड्रेस व्रेस होके आया 4 बजे, भर में भी नहा लिया, मैं ड्रेस वही पहन लिया क्योंकि मेरे पास जो ड्रेस है वो ड्रेस सब भीग गया था। अभी नहाने का कपड़ा भी मेरे पास सब गंदा ही है कपड़ा, तो अभी वो सब धोया नहीं मैंने, अभी के लिए वही कपड़ा पहन लिया। अब देखिए बारिश गिर रहा है धीरे धीरे, अब यहाँ पे धीरे धीरे बारिश गिर रहा है दोस्तों। ठीक है, तो अभी आते हैं आदमी लोग, तो चलते हैं देखते हैं कहाँ खाली कराते हैं। हमारे वीडियो बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों ये फलोरा होटल पर ही मैं हूँ अभी, आदमी एक आया है, अब आएगा तो लेके जाएगा, देखते हैं कहाँ लेके जाता है। अभी 8 बजने वाला है, बारिश की वजह से थोड़ा नहीं निकल रहे आदमी लोग, यहाँ पे पूरी गाड़ियाँ भर गई थी, अभी सब निकल रहे हैं धीरे धीरे कि जिसको जहाँ खाली करना है। 8:15 हमारे, देखिए खाली करने वाले हम लोग आ गए हैं, हमारा गाड़ी का खाली करेंगे। ठीक है, कितने जन है आप? 6 जन। चलिए ठीक है, आइए। तो देखिए फावड़ा वाला लेके आए हैं, ये देखिए अभी मेला फावड़ा सब लेके आए हैं, ये हमें हमारा। अरे रात में तो मिले थे ये 2 बजे, है कि नहीं बाबू? अरे यही बाबू थे। देखिए हम हमारा गाड़ी में जा रहे हैं, घमेला वाला डाल रहे हैं और खाली करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, खाली हो जाएगा आज ऐसा लग रहा है कि, देखते हैं कितने जगह में खाली होगा। 24 टन माल है और 1300 का रेट में माल भरा हूँ, 24 टन का भाड़ा जोड़ लीजिए 1300 के रेट में, साफ ही है, कुछ खाचा उचा नहीं है, पहुंचते हैं। गाड़ी ले लिया हूँ, काटा हो गया है, 23 टन 990 हुआ वजन। आप किधर डालना है बाबू? यहाँ से ये इसमें डालना पड़ेगा रिवर्स, इसमें तबेला है, उसके अंदर ही जाएगा रिवर्स में, देखते हैं। लगा दिया हूँ ये गाड़ी, अंदर लगा दिया हूँ तबेले में, आइए देखता हूँ इसे खोल रहे हैं। रुक जा।
अरे बाप रे, तो दोस्तों गाड़ी आधा 5 टन माल खाली करके और यहाँ पे मुमैया के वजन काटा पे खड़ा हूँ और आदमी लोग आए नाश्ता करने, तो नाश्ता करके आएंगे तो फिर निकलेंगे। अभी वहाँ पिलहार बोल रहे थे खाली करने के लिए, तो चलते हैं थोड़ा नाश्ता करते हैं, मैं भी चाय पीते हैं। ये लोग गए हैं नाश्ता करने, आइए देखता हूँ क्या है होटल मुमैया, डेयरी भी है। तो दोस्तों अभी यहाँ 5 टन माल खाली हुआ, अब यहाँ से 18 टन माल बच गया है, चलता हूँ पिलार में खाली होएगा, वहाँ 2-3 डिलीवरी है, तो चलता हूँ। तो दोस्तों मैंने पिलहार में आया हूँ और देखिए अभी तबेले में लगाया हूँ, ये सब तबेला में भैंसे हैं, ये देखिए आगे लेके, और ऐसा मैंने रिवर्स मारा गाड़ी, देखिए यहाँ पे लगाया हूँ। तबेला में बहुत टायर स्लिप मारता है, ये इतना स्लिप मार रहा था, देखिए मेरा गाड़ी का टायर देख एकदम टकला हो गया है, स्लिप मारा, यही डर लगता है कि साला कहीं स्लिप ना मारे। और अभी इसमें खाली करेंगे, देखिए पूरी माल टाकी खाली हुआ है, आदमी लाए हैं हमारे, मुकादम साहब इधर है, देखिए माल वहाँ से फिर खाली किया था, फिर पैक किया था लेके, और ये ऐसा लिफ्ट लेके राइट मारा मैंने। यहाँ पे सब पहाड़ियाँ है, देखिए कामन सब इधर तबेला ही है। ये देखिए दोस्तों अभी हमारा गाड़ी खाली कर रहे हैं भाई लो, खाली हो गया है, अभी इसमें माल है, अभी ये ढोएंगे, फिर अभी 10-12 टन इसमें बचेगा दोस्तों, 12 टन अभी रहेगा, फिर काटा करके फिर खाली करना है। अभी इतना माल बचा है, देखिए पीछे खाली हो गया, आगे लोड है, इसके वजह से स्लिप मारा टायर, गाड़ी निकालने के लिए भी टेंशन है दोस्तों, देखते हैं कैसे निकलता है, क्योंकि टायर बहुत स्लिप मार रहा है। ये देखिए ये सब गोबर ही डाला हुआ है, यही स्लिप मारा गोबर, इसी पे स्लिप मारा था। 5 minutes later दिन का 1:30 बज गया है, और ये देखिए ये रोड कैसा है, देखिए पूरी दम गोबर है, इसमें गाड़ी डालना है, घुमाना है। ये देखिए मैंने गाड़ी इसी में घुमाया दोस्तों, बहुत टायर स्लिप मारा था, मेरा टायर तो टकला हो गया है, इसको तो मेरे को रिमोट करना नहीं पड़ेगा। ये देखिए पूरा माल माल के दम पूरी चिकना हो गया है, अब ये बहुत डेंजर है, बोलिए तो स्लिप मारता है तो दिमाग ख़राब हो जाता है। ये देखिए ऐसा यहाँ राइट मारना है, यहाँ से राइट मार के रिवर्स लिया, रिवर्स मार के यहाँ पे ऐसा गाड़ी लगाया, खाली हो गया कहाँ। ये 3rd डिलीवरी है दोस्तों, अभी 2 डिलीवरी बाकी है, आइए दिखाता हूँ तबेले में।
सब देख रही है कैसे देख रहे, देखिए कैसे बोलने लगी। ये दोस्तों यहाँ से उठा लिया, ये देखिए थोड़ा खिलाता हूँ भैंसा को। हेलो, इतना प्यारा सा खाना। दोस्तों दिन का 2 बज गया, अभी मैं खाना नहीं खाया और गाड़ी खाली हो रही है, देखता हूँ कब तक खाली हो जाएगा। देखिए 1 hour later तो ट्रक खाली हो गया है और 5 बज गया है। मैं अब चलता हूँ यहाँ से बोईसर, वहाँ से कुछ माल देखेंगे तो चलते हैं। देखिए गाड़ी साइड में लगाए हैं, चले निकलते हैं फिलहाल में। तो दोस्तों मैंने टोल नाका के पास पहुँचा हूँ, खनवाड़ा टोल नाका के पहले, और हमारे फास्टैग में रिचार्ज नहीं है इसलिए अब इसमें 500 का रिचार्ज मारा, तो फास्टैग में आधा घंटा लगेगा तब यहाँ से क्लियर होएगा। तब तक मैं चलता हूँ नाश्ते के दुकान है इधर, देखिए टोल नाके पहले, अब चलता हूँ वहाँ पे वड़ा पाव का नाश्ता करते हैं क्योंकि दिन में कुछ खाया नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। आदित्य का फोन आया था कि पापा गाड़ी लेके बोईसर मत जाओ, सफाला आ जाओ, पंप लगा देंगे। तो प्लानिंग बन गया दोस्तों कि मैं गाड़ी लेकर सफाला जाऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं पहले नाश्ता करते हैं। ओके, कड़े भी डाल देना मुझे। तो मैंने ये वड़ा पाव ले लिया हूँ और ये गाड़ी खड़ी अपना, ये देखिए टोल नाके के पास में ही खड़ा हूँ। फास्टैग में कम था, ये फास्टैग में रिचार्ज कम था इसलिए मैंने 500 का रिचार्ज मारा। और दोस्तों इसके लिए यहाँ पे आधा घंटा रुकना पड़ता है फास्टैग में, तो मैं अभी यही लेके आया हूँ। ट्रक में आ गया मैंने, हमारा देखिए नाश्ता आ गया है, वड़ा पाव, स्पेशल वड़ा पाव, ये देखिए दोस्तों। अब इसमें हम चलते हैं खाने। ये देखिए थोड़ा चूरी भी दिया है जो मांग के लिया मैंने उससे। सफाले की तरफ निकल गया हूँ, चलता हूँ सफाले। और आदेश को मैं बोल दिया कि जाओ 1.25 किलो चिकन लेके आओ, चिकन फ्राई बनाओ और रोटी बनाओ। आज घर पर ही दोस्तों खाना खाएंगे क्योंकि दिन भर का पेट में कलछुल कूद रहा है, चूहा कूद रहा है। पहुँच रहा मैं दोस्तों। देखिए दोस्तों मैं सफाला पहुंच गया हूं, पंप पे लगा दिया गाड़ी और आदित्य लेके आया स्कूटी, और हम चलते घर पे नहाएंगे धोएंगे, खाना खाएंगे, मुर्गी चिकन। ठीक है दोस्तों, आज संडे है। तो दोस्तों अभी शाम को 7 बजे है, मैं ब्लॉग का भी एंड करते हैं, सुबह नए ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक ले जाए हिंद।